Good morning, students. In the previous video, we have written a short introduction on this chapter in forms of verbs. Now, today we are going to study page number 27 and we are going to start exercises given on page number 27. So, we are going to study about these forms of verbs given here. So first of all, you have to repeat it with me because we are going to read these forms, and you have to remember whatever the form is changing according to the spelling, or it is not changing. The form remains same. In sometimes it also remains same for such words. Stand, standing, stood, stood. स्पिन स्पिनिंग स्पन स्पन सी यहाँ पर भी फॉर्म चेंज नहीं हुआ टेक टेकिंग टुक टेकन टीच टीचिंग टॉट एंड टॉट सो इन दिस ऑल्सो द फॉर्म रिमेन्स सेम टेल टेलिंग टोल्ड एंड टोल्ड इन दिस ऑल्सो फॉर्म रिमेन्स सेम्स तो जहां पर भी फॉर्म्स चेंज नहीं हो रहा है यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंक थिंकिंग थॉट थॉट टाई टाइंग टाइड टाइड यूज यूजिंग यूज यूज वेक वेकिंग वेक Woken or it can also be waked. We are wearing wore worn. Weave weaving wove woven. Weep weeping wept wept. Win winning won and won. Wind winding wound wound. Right. राइटिंग रोट एंड रिटिन सो हमने यहाँ पर ऐसे फोर फॉर्म्स में देखा एवरीवेयर हमने देखा दैट स्पेलिंग्स आर बी चेंज एंड कहीं हमने ये भी देखा कि स्पेलिंग्स चेंज नहीं हो रही कहीं कहीं पर फॉर्म जो है यहाँ पर दोनों फॉर्म सेम हैं सो यू हैव टू रीड दीज वंस अगेन एंड रिमेंबर कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें फॉर्म सेम रहता now we are going to start exercise given on page number 27 come to exercise part so exercise number a is take the correct answer so how many forms do the verbs have two three four or six

जिससे हम उसके फॉर्म्स लिखेंगे तो उसका पहला बेस क्या है तो बेस गो का क्या होगा गो ही होगा तो हम कर देंगे ऑप्शन नंबर ए पे टिक क्योंकि बेस फॉर्म गो का गो ही होता है उसके बाद वेंट गोइंग और गॉन होता है सो वी आर गोइंग टू टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए देन नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स एंड कम्प्लीट द फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स सो फर्स्ट वन इज बीन डन अलाउ अलाउड अलाउड अलाउिंग अवेक अवोक डैश अवेकिंग तो यहाँ पर हम लिख देंगे अवेक अवोक अवेकन और अवेकिंग ए डब्ल्यू ए के ई एन अवेकन अवेकिंग डैश ब्ल्यू ब्लोन डैश तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले इसका बेस लिखेंगे हम यहाँ पर ये फॉर्म लिखा है तो यहाँ पर हमें इसका बेस लिखना है दैट विल बी ब्लो बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो ब्ल्यू ब्लोन और आ जाएगा यहाँ पर ब्लोइंग बी एल ओ डब्ल्यू आई एन जी ब्लोइंग बाय बॉट यहाँ पे इसका फॉर्म सेम ही रहेगा बॉट बी ओ यू जी एच टी बॉट ही रहेगा एंड बाइंग फ्रीज फ्रोज डैश फ्रीजिंग तो यहाँ पे इसका फॉर्म हो जाएगा फ्रीज फ्रोज फ्रोजन एफ आर ओ Z, E, N, frozen and freezing. So, here we have completed exercise number A and B, and our chapter is also completed. You have to write exercise number A and B in your English grammar copy.